का स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ सुखी और सुकून से अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का वीडियो है आयुर्वेदिक दिनचर्या। आयुर्वेद की संहिताओं के अनुसार हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, दिनचर्या मतलब उठने से लेकर के सोने तक आपको क्या क्या करना चाहिए, आपका खान पान कैसा होना चाहिए, आपकी शारीरिक क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में दूंगी। तो इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि ये छोटे छोटे चेंजेस ना आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो ये छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपनी लाइफ को हेल्दी और बहुत ही संतुलित रख सकते हैं। दिनचर्या में सबसे पहले हमारा होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जी हाँ, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में आता है। तो आप लोग चाहते हैं कि हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, अपने आयु की रक्षा के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मतलब सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। ऋतु के अनुसार हर जगह का सूर्योदय का समय भी अलग अलग होता है, तो उसमें का भी 4-4:30 बजे के लगभग का समय ब्रह्म मुहूर्त का माना गया है। उस समय अगर आप उठते हैं तो आप निरोगी और स्वस्थ रहें। तो उस समय उठने का बेस्ट टाइम है 4-4:30, मैक्सिमम 4:30 तक जरूर उठ जाए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। ये बहुत छोटा सा चेंज है बट इसको करने पे ना आपको डे बाय डे आपको इसका फर्क महसूस होगा। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही फर्क महसूस होगा, डे बाय डे आपको इसका फर्क महसूस। शरीर की चिंताओं से मुक्त होकर मैं उठने योग्य हो गया हूँ, इस तरह का विचार करके आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए, उठ जाना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले शौच विधि बताई गई है। अगर आपका खाना अच्छे से पच गया है, आपने रात में जो भी खाना खाया वो अच्छे से पच गया है, आपका डाइजेशन अच्छा है, तो सुबह उठते ही आपको मलवेग आ जाएगा। सबसे पहले शौच विधि मल मूत्र विसर्जन बताया गया है। तो अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, आपने जो भी रात में खाया है वो अच्छे से पच गया है, तो सुबह उठते ही आपको मलवेग जरूर आएगा, मल की इच्छा जरूर होगी। स्वस्थ व्यक्तियों का ये लक्षण है कि सुबह उठते उन्हें मल मूत्र विसर्जन का सेंसेशन हो जाता है, वो आ जाता है। और उसको भी करने में मैक्सिमम 5 मिनट, इससे ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। इस स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है कि मल मूत्र विसर्जन में भी उसे बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम 5 मिनट, इससे ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मल मूत्र विसर्जन करना, और अगर आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते हैं तो आपको मल मूत्र विसर्जन में भी प्रॉब्लम आएगी। ये सुनने में आपको अजीब लगेगा परंतु हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ, ये तीनों चीजें हमारे बॉडी को कंट्रोल करती हैं। तो जो वात का समय है वो सुबह 4-6 बजे का होता है, और उस बीच अगर आपने मल त्याग नहीं किया, आपने मल मूत्र विसर्जन नहीं किया, तो आपको आगे चल करके कफ, क्योंकि 6 बजे से लेकर के 10 बजे का जो समय होता है वो कफ का होता है, तो उस समय पे आपको मल मूत्र विसर्जन में प्रॉब्लम आ गई, प्रॉपर आपकी क्लीनिंग नहीं होगी, आपकी बॉडी की मोशन क्लियर नहीं होगा, आप 50 तरह की बीमारियों से घिरे रहेंगे। इसीलिए बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फायदे हैं, वो आप जाकर के देख लीजिएगा। बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं उस वक्त, तो इस तरह के बहुत सारे फायदे हैं। उसके बाद उस दौरान आपका मोशन भी क्लियर हो जाता है, जब रात के टाइम अगर आप उठते हैं तो आपका मोशन भी क्लियर हो जाता है। तीसरा है दंत धावन। जी हाँ, शौच करने के बाद दंत धावन बताया गया, क्योंकि तो आपने पूरी रात आपके मुंह में जो भी बैक्टीरिया है वो उसको क्लीन करना जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बिना ब्रश किए, बिना मंजन किए चाय कॉफी पी लेते हैं, या फिर कुछ लोग पानी पी लेते हैं वैसे ही, ताकि सुबह की लार मुंह में डाले, उसके साथ साथ आपके मुंह में बैक्टीरिया भी डाल जा रहे, जो रात में आपने खाना खाया था वो उसका सड़ा हुआ अंश भी आपके पेट में जा रहा है। तो पहले, सबसे पहले आप दंत धावन करिए, उसके बाद ही कुछ खाइए पीजिए। तो तीसरा नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप शौच जाए, शौच के बाद आप दंत धावन करें। और दंत धावन के लिए अर्जुन, नीम, बबूल, ये सारी चीजें दातुन करने के बताया गया है। इनमें से किसी भी पेड़ की छोटी टहनी को लेकर के आप दंत धावन कर सकते हैं, और टहनियों की लंबाई 1-2 अंगुल बताई गई है, और मोटाई छोटी उंगली के
बराबर बताई गई है, तो जिसका जैसी उंगली हो उसके बराबर वो ले सकता है। इसमें भी उन्होंने दो काल में दंड धावन के लिए बताया, पहला सुबह उठते ही, दूसरा भोजन करने के बाद, ताकि जो भी आपके मुंह में भोजन के कण अवशेष बचे हुए हैं वो भी निकल जाए। तो जो भी धातु को आप दंड धावन के लिए उपयोग कर रहे हैं उसके अगले हिस्से को कुचल कुचल करके कूची बना लीजिए, उसके बाद उससे दंड धावन करिए, अदरवाइज आपके मसूड़ों में डैमेज होने का चांस रहता है। तो उसकी सॉफ्ट कूची बना लीजिए, उसके बाद उससे दंड धावन करिए। इनमें से जितनी भी पेड़ के दातुन के लिए बताया गया, उन सबका रस कड़वा कसैला है। तो ये कड़वा कसैला रस आपके दांतों के लिए बेस्ट है, दांतों की सफाई के लिए ये रस जरूरी है। मीठा स्वाद नहीं होना चाहिए, अगर आप टूथपेस्ट भी ले रहे हैं तो वो मीठे स्वाद का नहीं होना चाहिए। दातुन की जगह अगर आप दंत मंजन भी ले रहे हैं तो वो मीठे स्वाद का नहीं होना चाहिए, कड़वे कसैले स्वाद का ही होना चाहिए। और एक सावधानी और बताई, उन्होंने इंडेक्स फिंगर का उपयोग नहीं बताया है, इससे मसूड़ों पे दबाव ज्यादा पड़ेगा, इसलिए इस उंगली का, मध्यमा उंगली का उपयोग बताया गया है। उससे आपके मसूड़ों पे ज्यादा दबाव भी नहीं पड़ेगा और आपका दांत भी अच्छे से साफ हो जाएगा, क्योंकि उंगली बड़ी है तो ये पूरा अंदर से जा करके आपके दांत को अच्छे से साफ कर देगी। इस तरह से उंगली से भी उन्होंने दंत धावन बताया है, मंजन से भी बताया, अगर आप दंत मंजन से कर रहे हैं तो उंगली से भी उन्होंने इस तरह से बताया है, अगर आप दातुन से कर रहे हैं तो अर्जुन, नीम, बबूल, इस तरह के दातुन से कर सकते हैं। आजकल लोग घूम घूम करके दांत साफ करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, एक जगह बैठ कर फिर दंत धावन करें। जिह्वा निर्लेखन टंग क्लीनर, सुश्रुत ऋषि ने सोने चांदी या पीतल के सलाखा से दंत जिह्वा निर्लेखन के लिए बोला है, मतलब आपका टंग क्लीनर सोने चांदी या फिर पीतल का होना चाहिए। इस तरह से जिह्वा निर्लेखन का भी उल्लेख पाया जाता है। नेक्स्ट है अंजन लगाना, आयुर्वेद में मुख शुद्धि के बाद अंजन लगाने के लिए बोला गया है। आंखें हमारी अग्निगुण प्रधान होती हैं, यानी कि ये तेज प्रधान इंद्रिय है और इससे कब्ज से बचाना होता है, इसके लिए अंजन का उपयोग बताया गया है। आपके कोई भी आयुर्वेदिक शॉप पे अंजन ले सकते हैं, या फिर घर पे भी आप अंजन बना सकते हैं, अंजन मतलब काजल बना सकते हैं। तो या तो आप घर पे काजल बना लीजिए, या फिर आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से लेकर के काजल आप उसको डेली अपने आंख में लगाइए। पहले के लोग सर लगाया करते थे, परंतु आज थोड़ा सा फैशन के चलते जो भी कही लोग अंजन काजल लगाना भूल सा गए हैं। तो अगर आप काजल का उपयोग डेली करते तो आपकी आंखें हेल्दी रहती हैं। तो अगर, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप काजल नहीं लगा सकते हैं, अच्छा नहीं लगता आपको लगाना, तो एक काम तो आप कर ही सकते हैं, आप त्रिफला का चूर्ण ले लीजिए, उसको रात भर पानी में भिगो दीजिए और उस पानी से अपने आंखों को धोइए। तो ये आपके आंखों के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक का काम करेगा, आपके आंखों से जितनी भी डर्ट पोल्यूशन है वो सब खत्म कर देगा, जो भी इन्फेक्शन है उसको खत्म कर देगा और आपके आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ रखेगा। क्योंकि आज के समय में इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बहुत ज्यादा टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि हमारी आंखों पे उसका बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से हमें चश्मा लग रहा है, बहुत सारी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप अवॉइड करना चाहते हैं तो ये छोटा सा स्टेप आप डेली करिए तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो या तो आप अंजन लगा लीजिए या फिर आप त्रिफला के पानी से धुल लीजिए। नेक्स्ट है नस्यकर्म, यानी हमारे ब्रेन को टॉनिक देना, नस्यकर्म से ब्रेन को टॉनिक। जी हाँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि हमारे ब्रेन को अगर टॉनिक देना है, आपको ब्रेन को अगर आपको हेल्दी रखना है तो नस्य कर्म जरूर करें। आपको जो भी इरिटेशन हो रही है, माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, वो सारी अगर आप नस्य कर्म करते हैं या नाक में तेल डालते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आयुर्वेद में इसके लिए बताया गया है कि आंखों को धुलने के बाद, आंखों में अंजन लगाने के बाद आप नस्य कर्म जरूर करें, नाक में दो दो बूंद तेल जरूर डालें, या तो आप सरसों का तेल डाल लें या फिर बादाम का तेल डालें, कोई भी आप तेल अपने नाक में डाल सकते हैं। जैसा कि आयुर्वेद में कहा गया, नासा ही सिरसो द्वारा, नाक से ही नाक ही हमारे सर का द्वार है। तो हम नाक में अगर तेल डालेंगे तो हमारे सर में भी, मतलब हमारे ब्रेन को भी ताकत मिलेगी, टॉनिक मिलेगा। तो अगर आप नाक में डेली तेल डालते हैं तो आपके ईएनटी रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएंगे, जैसे आंख, नाक, कान, ये सारी प्रॉब्लम, इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो डेली नाक में तेल डालने के लिए आयुर्वेद में बताया गया, तो ये छोटे छोटे चेंजेस आप जरूर करें। तो अगर आप ब्रेन को टॉनिक देना चाहते हैं तो नाक में तेल जरूर डालिए, अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो सरसों का तेल, तिल का तेल डाल सकते हैं, या फिर आयुर्वेदिक शॉप पे
अणु तेल नाम से भी एक तेल मिलता है, उसका भी उपयोग आप नाक में तेल डालने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑयल पुलिंग। जी हाँ, मुंह में तेल लेकर के उसको कई बार आपको घुमाना, कम से कम 3 से 4 मिनट तक उसको अच्छे से मुंह में तेल लेकर के घुमाइए। इससे आपके जो मुंह की मसल्स होती है ना वो स्ट्रांग होती हैं, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं और आपके दांत होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और आपके जो मसूड़े होते हैं उनमें कसाव आता है। नस्य कर्म के बाद आप ऑयल पुलिंग भी जरूर करें। इसको करने का सबसे इजी तरीका, 2 चम्मच तेल लीजिए मुंह में अच्छे से घुमाइए, जल्दी जल्दी खूब घुमाइए मुंह में और कम से कम 4 से 5 मिनट तक आप इसको घुमाइए, उसके बाद आप कुल्ला कर दीजिए। ये ऑयल पुलिंग आपके दांत, आपके मसूड़े, आपके स्किन, आपके जो स्किन की जो मसल्स है उनके लिए बहुत अच्छा है और आपके स्किन में रिंकल्स भी नहीं आने देगी और आपके गम प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। ऑयल पुलिंग के बारे में अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको ऑयल पुलिंग की वीडियो चाहिए। तांबूल सेवन। जी हाँ, आप पान का भी उपयोग कर सकते हैं, पान से आपके मुख शुद्धि होगी। उसके लिए आपको पान में कुछ मसाले डाल सकते हैं, जैसे जावित्री हुआ। पान खाने से आपके मुख की शुद्धि भी होगी और खाने में रुचि भी आएगी। इस तरह से पान में जावित्री, जायफल, लौंग, कत्था, गुलकंद ये सारी चीजें डाल करके आप पान खा सकते हैं। पान पे मेरी डिटेल वीडियो है, आप वो वीडियो भी जाकर के चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। पान के बहुत सारे फायदे मैंने उसमें बताया है। तो इस तरह से पान भोजन से पहले भी खा सकते हैं या फिर भोजन के बाद भी खा सकते हैं, तब भी ये मुख शुद्धि का काम करता है। पहले के समय में भोजन के बाद पान ऑफर किया जाता था मुख शुद्धि के लिए और इससे पान की प्रकृति गर्म होती है तो आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। और नेक्स्ट है अभ्यंग यानी तेल मालिश। उसके बाद अभ्यंग बताया गया, हमें रोज तेल से मालिश करना चाहिए, इससे हमारा बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, हमारी स्किन अच्छी रहती है, हमें थकावट नहीं होती, हमारे शरीर रिलैक्स हो जाता है, थकान दूर होती है और वात दोष खत्म होता है। ऑयलिंग करने से मतलब मसाज करने से वात दोष भी दूर होता है, तो जो भी आपके बॉडी में पेन हो रहा है वो भी कम होता है। आंखों के लिए अच्छा, हमारी त्वचा के लिए अच्छा है, हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। तो इतने सारे फायदे हमें अभ्यंग से मिलते हैं, तो अभ्यंग रोज करिए, रोज पूरे शरीर में तेल लगाइए। या अगर आप पूरे शरीर में तेल नहीं लगा सकते हैं तो सिर, कान और पैर के तलवे में, नाभि में तेल जरूर लगाएं। नेक्स्ट है व्यायाम। तो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में दिनचर्या में व्यायाम को भी रखा गया। व्यायाम करने से जठराग्नि स्ट्रांग होगी, काम करने की शक्ति बढ़ेगी और एक्स्ट्रा मेध धातु उसको कम करने में मदद करेगी। मतलब कि अगर आपको मोटापा है उसको कम करने में भी मदद करता है। क्वेश्चन ये उठता है कि व्यायाम कितना करना है, तो व्यायाम अर्ध शक्ति व्यायाम करना है। मतलब कि अगर आप व्यायाम कर रहे हैं, आपकी सांसें फूल रही हैं, मुंह से सांस लेने लग रहे हैं, सांस की गति आपकी तेज हो गई है, अगर आपके बांह के नीचे बगल से पसीना आने लगे, तलवे में पसीना आने लगे, माथे में पसीना आने लगे, तब तक आपको व्यायाम करना है। हाथ पांव में पसीना आ रहा है तब तक आपको व्यायाम करना है। मुंह सूख रहा है, इस तरह से आपको व्यायाम करना है। लेकिन जब बसंत ऋतु के समय कफ दोष पड़ता है या फिर सर्दी का हेमंत और शिशिर ऋतु होता है उसमें आपको व्यायाम करने की अवधि बढ़ा देनी चाहिए और गर्मी के मौसम में घटा देनी चाहिए, कम करना चाहिए व्यायाम। तो ठंडी के मौसम में अर्ध शक्ति व्यायाम करना चाहिए और गर्मी के मौसम में अर्ध शक्ति से भी कम व्यायाम करना चाहिए। प्रकृति के अनुसार भी व्यायाम कम या ज्यादा कर सकते हैं। जिनके शरीर में वात दोष बहुत ज्यादा, पित्त दोष बहुत ज्यादा बड़ा होता है उनको व्यायाम कम करना चाहिए। जिनके शरीर में कफ दोष बहुत ज्यादा बड़ा हो उनको व्यायाम ज्यादा देर तक करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर किसी का काम बहुत ज्यादा मेहनत का है और वो बहुत ज्यादा मेहनत करा है दिन में, उसको भी व्यायाम कम करना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी अपने काम से थक चुका होता है, तो व्यायाम कम मात्रा में करेगा तो उसके लिए बेहतर होगा। इसके बाद आता है ऊर्ध्वतन। जी हाँ, ऊर्ध्वतन मतलब उबटन। व्यायाम के बाद उबटन लगाने के लिए बताया गया है। उबटन लगाने से हमारे शरीर में मजबूती आएगी, हमारे शरीर की त्वचा सुंदर होगी और अतिरिक्त मेध धातु को कम करने में मदद करेगी, यानी मोटापा घटाने में भी मदद करेगी। तो इसके लिए जौ का, चने का और या फिर सरसों का उबटन आप उपयोग कर सकते हैं। इनमें से किसी भी चीज में, जौ, चना या फिर सरसों, किसी भी चीज में तेल या हल्दी मिलाकर उबटन बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया स्नान। तो उबटन के बाद स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण, इससे आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी
आपको भूख अच्छे से लगेगी, खुल के लगेगी। वीर्य बढ़ाने वाला, आयु बढ़ाने वाला होता है और थकान कम करने वाला है। तो अगर आप उद्वर्तन के बाद स्नान करते हैं तो आपका थकान भी दूर होगी, आयु भी बढ़ेगी। और नहाने में पानी का टेम्परेचर कितना होगा उसका ध्यान रखना होगा। गर्दन से नीचे तक आप हल्के गुनगुने पानी का या फिर गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु गर्दन के ऊपर सर पे आप गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ही यूज करना चाहिए, आप गर्म पानी का यूज बिल्कुल भी ना करें। अगर आप गर्दन के ऊपर गर्म पानी का उपयोग करते हैं तो आपके आँखों पे असर पड़ता है, आपके बालों पे असर पड़ता है, आपकी आँखें कमजोर हो जाएंगी, बाल झड़ने लगेंगे। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से ही आप बाल धुले। नेक्स्ट है भोजन विधि। रात को जो भी आपने खाया वो अच्छे से पचने के बाद अब जब आपको खुल के भूख लगे तभी आप भोजन करिए। भोजन करने का बेस्ट टाइम वही है जब आप रात का जो भोजन पच चुका हो और आपको जब खुल के भूख लगे तब भोजन करिए। ऐसा नहीं है कि मैं 9 बजे भोजन करता हूँ तो भूख ना भी लगी है तो मैं 9 बजे ही भोजन करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। जब तक पहला आहार प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो जाए तब तक दूसरा आहार नहीं लेना। और भूख लगे तभी भोजन करें। भोजन में 6 रसों का होना जो बहुत जरूरी है, सभी 6 रस भोजन में जरूर रखिए। ऐसा नहीं कि आपको बहुत तीखा पसंद है तो सिर्फ तीखा ही खाएं, बहुत खट्टा पसंद है तो बहुत खट्टा खाएं। सभी 6 रस का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। भोजन सात्विक और घर पे बना होना चाहिए, वातानुकूलित होना चाहिए। और आपका ट्रेडिशनल फूड हो, आपकी फैमिली में जो पहले से खाया जाता हो उस तरह का भोजन करें, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको वही खा करके जन्म दिया है तो वही फूड आपके लिए ज्यादा सुटेबल हो। अगर आप वही फूड खाते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे। प्रकृति के अनुसार भी हर व्यक्ति की भूख अलग होती है। जैसे कि पित्त प्रकृति वालों की भूख बहुत ज्यादा होती है, कफ प्रकृति वालों की मंद अग्नि होती है इसलिए उनकी भूख भी बहुत कम होती है, वात प्रकृति वालों की अग्नि विषम होती है तो कभी उन्हें बहुत तेज भूख लगती है, कभी उन्हें भूख एकदम से नहीं लगती। जैसी आपकी प्रकृति हो, जैसी आपकी भूख हो उस तरह से भोजन करिए। इसके साथ ऋतु का भी विचार कर लेना चाहिए। हेमंत ऋतु में जठराग्नि प्रदीप्त होती है, तब जब भी भूख लगे आपको भोजन जरूर करना चाहिए। भोजन करने का कोई ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम पे भोजन करें, जब आपको भूख लगे तब आप भोजन करिए। तो सिंपल सा नियम है, जब भी भूख लगे भोजन करिए, जब भी प्यास लगे पानी पीजिए। पानी के लिए भी आयुर्वेद में बताया गया कि जब प्यास लगे तभी पानी पीजिए। ऐसा नहीं है 10 गिलास 12 गिलास पानी पीना पूरे दिन में, पूरे दिन आप बिना प्यास के पानी पी रहे, जब तक आपको प्यास ना लगे तब तक आप पानी मत पीजिए। और जितना आपकी प्यास हो उतनी ही पानी पीजिए, ज्यादा पानी भी आपके लिए नुकसानदायक। किसी भी चीज का बैलेंस वे में लेके चलेंगे ना तो आपके लिए नुकसान नहीं होगा, अगर आप उसको बहुत ज्यादा ओवर कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करेगा। तो पानी जितना प्यास हो उतना पीजिए और भूख जब लगे तब भोजन करिए। पानी के नियम, भोजन के पहले, भोजन के 30 से 40 मिनट पहले आप पानी पी लीजिए, उसके बाद भोजन के बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा पानी ले सकते हैं, एक एक घूंट पानी ले सकते हैं। भोजन के बीच में एक एक घूंट पानी लेना अमृत के समान बताया गया। कुछ लोगों का होता है कि पानी लेकर के ही नहीं बैठते हैं, मैं भी कर लेती हूँ कभी कभी ऐसा, पानी लेके नहीं बैठती हूँ, बट मेरी डाइट काफ़ी ज़्यादा लिक्विड रहती है तो मुझे सच कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती। बट आयुर्वेद ने बताया गया कि भोजन के बीच में एक एक घूंट पानी लेना अमृत के समान है। उसके बाद जब भोजन पूर्ण हो जाए तो आप पानी ना लें तो वो ज्यादा बेहतर। दो, जब भोजन का पचन होने लगे तब पानी लें, यानी कि अगर हो सके तो 2-2.5 घंटे के बाद आप पानी लें तो वो बेस्ट है। अदरवाइज आप 30 मिनट के बाद या फिर 40 मिनट के बाद भी पानी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। या फिर आपको भोजन करने के बाद प्यास लग जाती है तो गुनगुना पानी आप थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। या फिर कुछ लोगों को दवाइयाँ खानी होती है तो दवाइयाँ भी आप गुनगुने पानी से ले सकते हैं। भोजन के बाद तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि तब आपका भोजन पचेगा नहीं है, वो सड़ेगा और आपके शरीर में तमाम तरह की बीमारियां पैदा करेगा। इस तरह से बहुत छोटे छोटे नियम है, इनको आप धीरे धीरे शामिल करेंगे तो कब आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और पानी के बारे में ऐसा बोला है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जितना पानी पीना है आपको पी लीजिए, जितनी आपकी प्यास लगी आप पी लीजिए, उसके बाद आप पानी की मात्रा कम कर दीजिए, हो सके तो एकदम बंद कर दीजिए, थोड़ा बहुत ही लीजिए। और अगर आपको प्यास लगे ही तो आप गुनगुना पानी लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तो अच्छा रहता है, उसके बाद आपको पानी को भी पचाना पड़ता है, तो कोशिश करें कि कम मात्रा में पानी लें। अब आजकल बहुत से लोग डाइट प्लान देते हैं, हर जो भी जाएगा उसको एक डाइट प्लान पकड़ा दिया जाता है। आप ही सोचिए, हर किसी की बॉडी अलग है,
हर किसी की प्रकृति अलग है, हर किसी की बॉडी का रिएक्ट करने का तरीका अलग है, हर किसी की बॉडी अलग प्रकृति की है, तो एक ही डाइट हर किसी पे कैसे सुटेबल, अगर हर किसी के लिए कैसे वर्क करेगा। अगर आप एक ही डाइट हर किसी को दे रहे हैं तो वो पित्त प्रकृति वालों को अगर आप वही डाइट दे रहे हैं, कफ प्रकृति वालों को भी वही डाइट दे रहे हैं, तो हो सकता है कफ प्रकृति वालों को वो डाइट सूट कर जाए लेकिन सेम डाइट पित्त प्रकृति वालों को सूट नहीं करेगी, हो सकता उसका उसको उल्टा असर दिख जाए। तो डाइट, जो भी डाइट लें, जैसे कि फॉरेन वगैरह में लोग मीट मछली ज्यादा खाते हैं इसलिए वो रॉ वेजिटेबल खाना ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहां के लोगों का जो भोजन उस तरह का है कि उन्हें रॉ वेजिटेबल खाना मजबूरी है, अगर वो नहीं करेंगे खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जो मीट मछली खाते हैं बहुत ही हैवी होता है, उसके अकॉर्डिंग रॉ वेजिटेबल कम हैवी होता है, तो वो रॉ वेजिटेबल का यूज करते हैं। और हम यहाँ पे फाइबर युक्त कम्प्लीटली फुल मील लेते हैं, उसमें भी अगर आप लोग बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड खाओ, बहुत ज़्यादा अगर आप सैलेड खाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूट खाते हैं, तो वो भी आपके डाइजेशन को गड़बड़ करता है, इम्बैलेंस कर देता है, आगे जाके आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मैंने ऑलरेडी बताया कुक्ड वर्सेज रॉ वेजिटेबल के बारे में वीडियो बनाया, वो वीडियो जाकर के आप देखिएगा, बहुत र्यूमर फैला हुआ है कि रॉ वेजिटेबल खाइए, कुक्ड फूड मत खाइए, प्लीज़ वो वीडियो जाकर के जरूर देखिए, क्यों नहीं खाना चाहिए रॉ वेजिटेबल और कितनी मात्रा में खाना चाहिए रॉ वेजिटेबल, मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो जाकर के भी चेकआउट जरूर करिएगा। तो आपके यहाँ जिस तरह के फूड खाए जाते वो फूड खाइए, ना कि रॉ ये सारे फास्ट फूड इस तरह के फूड खाइए। अब आयुर्वेद में दिन में सोने के लिए मना किया गया है, परंतु गर्मी के दिनों में जब रातें छोटी होती हैं तो उस समय आप दिन में 15 से 20 मिनट की नींद ले सकते हैं, या फिर अगर आपकी फिजिकल कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग आप नींद ले सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो आप दिन में सो सकते हैं। उसके बाद धर्म के कार्यों में हमेशा तत्पर रहने के लिए बताया गया है, आयुर्वेदिक दिनचर्या में सबका सम्मान करने के लिए बताया गया है, सुख दुख सब में समान रहने के लिए बताया गया, हितकर बातें करने के लिए बताया गया है, धर्म अर्थ और काम तीनों का बैलेंस करके चलने के लिए बताया गया है, आयुर्वेद के अनुसार रत्न मणि धारण करने के लिए बताया गया है, या फिर औषधियों को धारण करने के लिए भी बताया गया है। और बाहर जाते हुए छाता लेकर के जाएं, सर पे पगड़ी बांध करके जाएं, पैर में फुटवेयर पहन करके जाएं, इस सब के बारे में उसमें बताया गया है कि जब भी आप बाहर निकले छाता लेकर के सर को कवर करके जाएं, या फिर पगड़ी लगा करके जाएं, या और फुटवेयर पहन करके जरूर जाएं। समय के अनुसार बचाव के लिए ये सारी चीज़ें बताई गई थी, आज के समय में जो पॉसिबल है वो आप बचाव के लिए कर सकते हैं। तो ये तो रही आयुर्वेदिक दिनचर्या, तो इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी। आयुर्वेदिक दिनचर्या पे मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देता है, मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, माता पिता, भाई बहन सबके साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे नियम है ना आपकी पूरी लाइफ को कितना चेंज कर देंगे आप सोच भी नहीं सकते, बस बहुत छोटे छोटे नियम हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे और आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव वे में चेंज होगी। तो इन सारे चेंजेस को अपनी लाइफ में करिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।